पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों का जांच हुआ पूरा। एडीएम फाइनेंस ने कहा गंभीर त्रुटि मिलने पर ही नामांकन पत्र को किया गया है रद्द। शाहपुर पुलिस ने चोरी के गिरोह का किया पर्दाफाश। शराब समेत 6 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। 6 चोरी के केस का हुआ पर्दाफाश। एक अन्य शराब की भी पुलिस कर रही है तलाश। एसपी सिटी ने दी जानकारी। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जनपद न्यायालय में होगा वर्चुअल सुनवाई। न्यायालय परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनेक्सी भवन में 3 शिफ्टों में दिया गया प्रशिक्षण। एडीएम फाइनेंस ने कहा 14 अप्रैल को कार्मिक आवंटित ब्लॉक पर पहुंचकर 15 को कराएंगे मतदान। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 177 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 1 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,424। अब तक 369 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 766 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर देश भर के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित। जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सुना संबोधन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा। 110 लीटर अवैध शराब के साथ 2 कारोबारियों पर अभियोग किया दर्ज। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग का हुआ आगाज। उद्घाटन मैच में स्वराष्ट्र क्लब ने संदीप क्लब और सेंट जोसेफ स्कूल ने सीआईसी को दी शिकस्त। सीआरडीपीजी कॉलेज के 31वें वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कुलपति ने महाविद्यालय के छात्राओं को किया सम्मानित। काशी और हरिद्वार के गंगा आरती के तर्ज पर राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आयोजित हुआ गंगा राप्ती महाआरती। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और श्री भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा के 6वें दिन कथा व्यास श्री राधा कृष्ण महाराज ने श्री भाई जी के व्यक्तित्व का किया वर्णन। मंत्रमुग्ध हुए श्रोता।